एमएसडेन आरसीआई एजुअप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास की और इलेक्ट्रॉन विन्यास को उनके उपकोष में कैसे भरते हैं उसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी। अब आज हम बात करते हैं कि तो तत्व जो होते हैं उनको आवर्त सारणी में चार ब्लॉक में व्यवस्थित किया गया है, एस पी डी और एफ। तो हम सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कि जो एस ब्लॉक के तो तत्व हमारे पास में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि एस ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो एस ब्लॉक जो होता है ये वाला, इन तत्वों को हम एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है, अतः इन्हें एस उपकोष के तत्व कहा जाता है। हम क्या बोलेंगे, क्योंकि तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है, अतः इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये बात करें एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, NS1C2। मतलब कि एस उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर कितने हो सकते हैं आपके पास में, दो हो सकते हैं, और एस ब्लॉक जो है उसको दो वर्ग में बांटा गया है। एक वर्ग हमारे पास में आएगा फर्स्ट ए वर्ग, जिसको हम बोलते हैं पहला वर्ग, और एक दूसरा वर्ग जिसको हम बोलेंगे सेकंड ए। ठीक है, पहला जो ये फर्स्ट ए वर्ग, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु वर्ग। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु वर्ग, और इसको बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु वर्ग। ठीक है, ये हो गया क्षारीय धातु वर्ग, इसको बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु वर्ग। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होगा हमारे पास में NS1। एस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा, और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, वो होगा हमारे पास में NS2। कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। अब बात करते हैं इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की, ये इनकी संयोजकता की। तो इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे आपके पास में, एक, और उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, दो। मतलब अंतिम बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, और यही उसको क्या बोलते हैं, उसकी संयोजकता कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारे पास में होगा कि एस ब्लॉक जो होता है इसको दो वर्ग में बांटते हैं, एक तो पहला वर्ग कौन सा होगा, दूसरा, पहले वर्ग बोलेंगे फर्स्ट क्षारीय धातु वर्ग, दूसरे बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु वर्ग। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा NS1, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा NS2, और N का मतलब हो जाएगा क्वांटम संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, एक, उसमें कितने हो जाएंगे, दो। अब बात करेंगे पहले वर्ग जो है उनके तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम कैसे निकालते हैं। देखिएगा यहां पर आपको दिया है फर्स्ट ए, ठीक है, ये वर्ग दिया गया है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको निकालना है तत्वों का। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं हम उनको लिख लेते हैं। कौन कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, और कौन आता है, Fr। ठीक है, इनका जो परमाणु क्रमांक होगा ये होगा 1, ये होगा 3, ये हो गया 11, ये 19, ये हो जाएगा आपके पास में 37, फिर ये हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 87। ये इनकी परमाणु क्रमांक हो गए। इनका नाम क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, मैं ये इनके नाम लिख देता हूँ, चलो नाम तो आप देख लेना, फिर भी हम लिख देते हैं। इनका नाम होगा हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होगा, लिथियम, इसका होगा सोडियम,
इसका होगा पोटेशियम, इसका होगा रूबीडियम, इसका होगा सीजियम और इसका हो जाएगा फ्रेंसियम। ठीक है, अब आपके पास में जो दिया हुआ है सी एस और एफ आर, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, द्रव धातु होते हैं। क्या होते हैं, द्रव धातु। ठीक, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आपके पास में क्या होगा, एन एस वन, मतलब कि आपके पास जो बाह्यतम कोष जो एस होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा। तो निकालते हैं, कल हमने आपको ट्रिक बताई थी स सप सप सडप सडप सपडप व सपडप, तो हम उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। यहाँ लिख रहे हैं स सप सप सडप सडप कौन आ जाएगा सपडप, फिर कौन आ जाएगा सफेडप। इसका मतलब हो जाएगा 1s, इसका मतलब हो जाएगा 2s, इसका मतलब हो जाएगा 3 2p, इसका मतलब हो जाएगा 3s, इसका मतलब हो जाएगा 3p, इसका मतलब हो जाएगा 4s 4s 3d 4p। ये ऐसे आगे चलते रहेंगे आपके पास। ठीक है, अब s जो होगा उसमें हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, p में कितने रख सकते हैं 6, d में कितने रख सकते हैं 10 और f में कितने रख सकते हैं हमें 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के आगे चलें तो हम बात करते हैं, देखना इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा क्या होगा, 1s1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s1 1s2 2s1, दो एक तीन हो गया, हमें तीन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इस तरीके हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11। इसका भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 आएगा या नहीं आएगा, तो हम देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 19 हैं, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा 4s1, अभी 3d नहीं आएगा। अब बात करते हैं रूबीडियम, 37 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर हमारे पास कौन आएगा 4s2 4p6 और कौन आएगा 5s1। क्या 37 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, हाँ, 2 2 4 4 6 10 12 18 28 30 36 37। अब बात करते हैं 55 नंबर की, तो 55 नंबर किस पर होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1। क्या ये सही है क्या, तो हम चेक कर देते हैं, देखिएगा 2 2 4 4 6 10 10 से 2 12 12 से 18 18 10 28 28 से 2 30, ये हो गए 36, ये हो गए 46, 46 से 2 कितने होते हैं 48, 48 से कितने होते हैं 54 54 55, हमें चाहिए कितना था 55, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 सॉरी, ये हमारे पास देखना, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 हो गया, फिर कौन आ रहा है 3s2 3p6 3d10, फिर कौन आ रहा है 4s2 4p6 4d10 और अब f के भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके पास में 4f14, कौन आएगा 4f14 और यहाँ पर कौन आ जाएगा 5s2 5p6 5d10, फिर कौन आएगा 6s2 6p6 और कौन आएगा 7s1। क्या ये सही है क्या, हम देखते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 से 2 12 12 से कितने हो गए 18 ये 28 28 से 2 30 30 से 6 कितने होते हैं स्टूडेंट 36 36 से 10 कितने हो गए 46 46 में 14 ऐड कर दो कितने हो गए 60 60 में 10 ऐड कर दो स्टूडेंट कितने
कितने होते हैं, 8 से 10 कितने होते हैं, 78, 78 को कितने हो गए 80, 80 से 86 87, हाँ हमें कितना चाहिए था 87 परमाणु क्रमांक वाला चाहिए था, और कितने आ गए 87। तो देखना प्यारे बच्चों अंतिम कोष, ये देखो कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक कितना दिया है सभी में, एक एक दिया हुआ है, तो इनकी संयोजकता भी कितनी होगी, एक होगी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास में, एक होंगे, और ये सारे फर्स्ट ए वर्ग के क्या होते हैं, तत्व कहलाते हैं आपके पास में, और ये दोनों दोनों क्या होंगे आपके पास में, द्रव धातु होंगे, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास, बाकी बात करते हैं अगली क्लास में।